नमस्कार, मैं वैष्णवी चौधरी, आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। बॉलीवुड की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए बोल इंडिया न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोल इंडिया न्यूज। मैडम भालचंद्र कुमार प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर विजय गुंडोकर, राजीव जी चिटनेस, विनोद जी राउत, अनिल जी पालकर, नितिन पात्रिकर, कार्यकारी निर्माता राजन जी सूर्यवंशी। बी आर चिरकुट, ये जो फिल्म है अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट आया नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड एज लोगों पर एक अच्छी पारिवारिक फिल्म बनने जा रही है। और मुख्य भूमिका में दीपक जी है, राजीव जी चिटनेस है, विनोद राउत जी है, अनिल जी है, नितिन पात्रिकर जी है। क्या विशिष्ट क्या है पिक्चर का, क्या रहता है, क्या इसमें क्या दिखाएंगे? अक्सर लोग 60-65 के बाद सोचते हैं कि लाइफ खत्म होगी, मैंने सारी जिम्मेदारियां पूरी होगी, बालक जी की शादी, उसके बाद वो जीना छोड़ देते हैं कुछ लोग। तो ये फिल्म बताती है कि आप उस एज में भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बचपना जो हम भगवान को बोलते हैं, लालपना देने देवा, तो वो मांगने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही हो, सच्चे हो, तो आप उस एज में भी बचपने को जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये मैसेज देती है बचपन की उम्र में भी, बचपन की बात है। यस 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 यस, बिल्कुल। कितने प्रिंट में ये फिल्म रिलीज होगी? कितने स्क्रीन पे? स्क्रीन करीब हम 300 के आसपास स्क्रीन पर रिलीज करने का प्रयास करेंगे। अभी रिलीज को कम से कम 5-6 महीने टाइम है, तो जस्ट कल से शुरू हो रही है इसकी शूटिंग, तो बाकी प्रोसीजर करते करते 5-6 महीने लग जाते हैं। फिल्म की लोकेशंस क्या है और कितना बजट फिल्म का है? फिल्म का बजट हमने जो रखा हुआ है वो 80 लाख के आसपास का है, और लोकेशन नागपुर के आसपास ये सारे लोकेशन, यानी नागपुर में बनेगी। हाँ, पूरा फिल्म नागपुर में, सिर्फ गाने के लिए हम लोग कहीं बाहर लोकेशन पे जाएंगे। अभी कल से शूट शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट पकड़ सकते हैं, तो यहाँ से अब 4-5 महीने लगे। टारगेट ऐसा फिक्स नहीं है, 6 महीने 4 महीने, 6 महीने में रिलीज हो जाएगी। इधर के कितने प्रतिभाओं को आपने चांस दिया इस फिल्म बनाने में? मेनली दीपक सिरके जी के अलावा पूरे विदर्भ से कलाकार है यहाँ पे, सारे विदर्भ से। नहीं, मैं भी विदर्भ का जवाई हूँ। क्या बात है, ये तो और अच्छी बात है। The word चिरकुट technically I mean we call small boys or छोटे से, एक चिरकुट इधर। How do you relate that with the 65-year-old man? वो उनका एज वो बचपना ही होता है, बुजुर्ग होते हैं, जैसे एज बढ़ती है तो बचपना की झलक आती है, आपो आप आती है, उसमें उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उस लैंग्वेज पे ये भाषण कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये मूवी आप करेंगे, इसमें किस तरह का बचपन का अनुभव आपको वापस होने वाला है? ओ, देखेंगे। अभी स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ के मैं करूंगा और पिक्चर परफॉर्मेंस करूंगा, तो लीड डायरेक्टर और मेरी सजेशन सुनी, उसके बाद वो खुल जाएगा। शिरके सर, सर आपसे ये, आपको जो ये मूवी मिली है, इसमें आप कौन सा किरदार निभाने वाले हो? मैं एसीपी हूँ, रिटायर्ड एसीपी, पुलिस वाले, पुलिस वालों का रोल कर रहा हूँ, रिटायर्ड है। दीपक सर, चिरकुट निर्माण होने जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि निर्माण होने के बाद ज्येष्ठ नागरिकों पर लोग टिप्पणी करेंगे? नहीं, क्योंकि उसमें से जो बचपना की जो बातें है उसमें वो मशगूल हो जाएंगे, उनका वो बचपना जो होता है वो अपने में देखेंगे कि ये, हाँ ये ऐसा हो सकता है।
सर आपने कई सारी मराठी हिंदी फिल्मों में काम किया है, तो पुरानी स्टोरी से और अभी की जो नई स्टोरीज आ रही है इसमें क्या अंतर आपको दिख रहा है? ना आज के लोग प्रगल्भ है, जरा ज्यादा विचार करके वो फिल्में बना रहे हैं, उनके एक सोच है और सोच में वो सही मायने से सही रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉमेडी तो उस समय पे ही हुआ करती, धड़ाकेबाज और ऐसी बहुत सारी मूवीज में आपने काम किया है रजनीकांत बेटी के साथ में, आज भी वो पिक्चर के बारे में बात करें तो हमको सीन याद आ जाता है उस कॉमेडी लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कॉमेडी का एक स्तर जो है वो कम हो गया है, गिर गया है कहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये नए लोग हैं, उनका नया सोच है, हर नएपन में एक नई अच्छी बात निकलती है। आपको सर ऐसा लगता नहीं कि जैसे फिल्म के अलावा दर्शकों का रुझान वेब सीरीज की ओर ज्यादा जा रहा है? ऐसा तो है, लेकिन ऑडियंस सभी जगह पे है, नाटक में भी है, फिल्मों में भी है और टीवी सीरियल में भी है, ऑडियंस बटा जाता है, फिल्म इकट्ठा होता है। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है स्क्रिप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, जैसे अभी MLA साहब वहाँ बैठे हुए चूँकि हम क्रम अनुसार नहीं जा पा रहे क्योंकि आप लोगों को देरी हो रही थी, तो ये पहले कर लिए, तो मुहूर्त शॉट ले रहे हैं हम लोग और उस मुहूर्त शॉट में इस पिक्चर का पूरा सार है। अगर आपके पास 5 मिनट का समय, नरियल फोड़ेंगे, कैमरा ऑन करेंगे और एक सीन वहाँ फिल्माया जाएगा, तो वो सीन आप देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वो वेस्ट भी चले जाएंगे, एक मुहूर्त शॉट आप देख लीजिए, पूरा स्क्रिप्ट आपको पूरा अंत में।